आज हम बनाएंगे हांडी पनीर। पनीर की रेसिपीज तो आपने कई बार घर में बनाई भी होंगी और खाई भी होंगी, और हांडी पनीर आपने कई बार होटल में रेस्टोरेंट में ऑर्डर भी किया होगा। लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से हांडी पनीर बना के देखिए, वो भी मिट्टी की हांडी में, और जो कि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो मिट्टी की हांडी में आज हम हांडी पनीर तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप इस तरीके से बनाइए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस वरुण किचन। तो मिट्टी की हांडी में हांडी पनीर बनाने के लिए हमें हांडी चाहिए। देखिए, हमने हांडी को ले लिया है और इसको हमने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था पानी में। तो पानी में सोक करने के बाद हम खाना बनाते हैं ना, तो मटकी मतलब हांडी चटकती नहीं है, बहुत अच्छे से कुक हो जाती है सब्जी। तो देखिए, हांडी को हमने गैस पर रख दिया और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे, और इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है। देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर तेजपत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची और काली मिर्च और लौंग, इन सभी चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है इसमें, और इसको अच्छे से भूनने देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरे को भी अच्छे से भूनने देंगे, और बारीक कटा हुआ हम लहसुन ऐड करेंगे इसमें, और थोड़ा सा अदरक ऐड कर देंगे ग्रेट किया हुआ, और साथ में ही बारीक चॉप किया हुआ प्याज भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से भुनने देंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। और देखिए, इस तरीके से प्याज भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। और अभी हमने इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया था, अब हम स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज ऐड कर देंगे, और साथ में ही हम इसमें 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। इससे क्या फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से भुनने देंगे। देखिए, थोड़ी देर में ये अच्छे से भुन चुका है सारा मसाला बहुत अच्छे से। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर, और साथ में ही हम 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हमने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब देखिए, इन सभी मसालों को बहुत अच्छे से भून लेंगे, और तुरंत ही हमें इसमें चॉप किया हुआ टमाटो ऐड कर देंगे। तो देखिए, हमने 2 टमाटर को अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको भी बहुत अच्छे से भूनेंगे। टमाटर को हमने मसाले के तुरंत बाद ही डाल देना, जैसे कि मसाले जले ना। तो देखिए, इसको इस तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भूनने देंगे। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि टमाटर अच्छे से कुक हो जाए और मसाले भी अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं सारी चीज़ें। तो अब हम इसको एक बार बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। देखिए, छोटे छोटे पीसों में हमने 2 शिमला मिर्च को हमने कट कर लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ में हमने 1/2 किलो पनीर लिया, उसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए ध्यान से मिक्स करिएगा, चाहिए टूट ना पाए। और अगर आपको शिमला मिर्च और पनीर फ्राई किया हुआ पसंद है, तो थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, उसके बाद ऐड करिएगा। तो देखिए, इसको हमने 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। तो इससे क्या, इसके मसाले सारे पनीर और शिमला मिर्च में अच्छे से कम्बाइंड हो जाएंगे, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो अब हमने इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। जो घर में दूध की मलाई निकलती है ना, वही हमने ऐड किया है इसके अंदर। उससे क्या, पनीर का एक रिच फ्लेवर आएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। और होटल और रेस्टोरेंट्स में भी इसी तरीके से हांडी पनीर बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन सभी चीज़ों का। तो देखिए, अब इसको फिर से हम इसको ढक के रख देंगे। तो थोड़ी ही देर बाद हमने फिर से खोल के चेक करेंगे। देखिए, मसाले बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो एक बार हम इसको एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी इसमें काफ़ी मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं, और काफ़ी थिक है ग्रेवी, तो हमें हल्का सा इसमें इसको और कुक करना है। तो इसके लिए हमने 1/2 कप के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर दिया है, और पानी हमेशा गर्म ही ऐड कीजिए किसी भी सब्जी में, तो उससे क्या टेस्ट ख़राब नहीं होता है। देखिए, हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, इसमें देखिए एक उबाल आने लगा है। और अब हम इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी सी हमने रोस्ट की हुई कसूरी मेथी और बटर और थोड़ा सा हम गर्म मसाला, इन सभी चीज़ों को हमने इसमें ऐड कर दिया है। इससे क्या खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसको अच्छे से इसमें कुक होने देंगे धीमी गैस के ऊपर, बिल्कुल स्लो गैस रखनी है हमें इस समय। और देखिए, हमने ये आटा लिया है, इसको हमने लंबा लंबा पतला पतला इसको मतलब गोल गोल बना लिया है इसको इस तरीके से, क्योंकि हमें इसमें दम लगाना है पनीर का। हांडी में बना रहे हैं ना, अब इसको हम बिल्कुल बंद करके रख देंगे, इसलिए हमने हांडी के चारों ओर इस तरीके से आटे को लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन को रख देंगे और इसको अच्छे से इसको कवर कर मतलब इसको सील कर देंगे, बहुत अच्छे से चारों ओर से इसको सील कर देंगे इस तरीके से।
जिससे कि इसके अंदर से स्टीम ना निकले। और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। और अब हम देखिए जो ढक्कन है ना, इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, हांडी में जब हम सब्जी पकाते हैं और पानी बहुत जल्दी जलता है, तो हमने ऊपर जो पानी डाल दिया ना, तो हांडी में से पानी उतनी जल्दी जलेगा नहीं, तो उससे क्या पनीर बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो हमने अभी इसे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर दम लगाने के लिए रख दिया था, जिससे कि हांडी में पनीर बहुत अच्छे से कुक हो जाए। और 5 मिनट बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था, हांडी को गैस से हटा दिया है। और 10 मिनट हमने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था। और अब हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको ओपन करेंगे। देखिए हम ना चाकू की हेल्प से इसका आटे को इस तरीके से हटा देंगे। और देखिए अब हम इसको खोल के चेक करेंगे। देखिए क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सौंधी सौंधी, बहुत ही टेस्टी हांडी पनीर बन के तैयार हुआ। देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए हांडी पनीर बहुत ही टेस्टी बना है। तो मैंने तो अपने घर पे इस तरीके से हांडी पनीर बना लिया। तो एक बार आप इस तरीके से हांडी पनीर बना के देखिए, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।